और एक बात और भी चाहिए, हाँ मैं अपना बर्थडे ना अपने खास दोस्त को और भी मुझे करना रहता है। लुक कंट्रोल किया, कंट्रोल किया, रोना बहुत आ रहा है, बस कंट्रोल किया। अच्छा भटके भी इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि माँ को पता लगे कि मैं उनके लिए ही क्लिप बना। पर ये तो गलत है ना, तुम यहाँ सारी तैयारियां कर रही हो, तुम ही पार्टी में नहीं आओगी। जूही, मैं बस चाहती थी कि मैं माँ के खास दिन को और खास बना सकूं, मैं उनके चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकूं। मेरी यही कोशिश थी कि मैं उन्हें दिल से खुश कर पाऊं, ताकि वो अपनी नाराजगी को भूल कर अपने जन्मदिन पर अपने बेटे को फिर से अपना बेटा मान ले। इतनी सैड शक्ल बनाने की कोई जरूरत नहीं, आई एम फाइन। तुम एक काम करो, जाके चाची साहब से पूछो कि उन्होंने केटरर्स को मनी दे दिया या नहीं। तो बेसिकली विद्या माँ अभी अबीरा से नाराज़ हैं, बट फिर भी अबीरा उनके बर्थडे के लिए कुछ स्पेशल करना चाहती है, तो इसके लिए इसके चलते रूही रूही वहाँ होती है, तो अबीरा फटाफट उसे एप्रन बना देती है, सो दैट माँ को ये ना पता चले कि केक एक्चुअली में अबीरा बना रही थी। बट उसका इंटेंशन बहुत अच्छा है और वो यही चाहती है कि माँ बस खुश रहें, चाहे उसे क्रेडिट भी ना मिले, बट वो खुश रहें। होपफुली होपफुली माँ थोड़ी सी मेल्ट हो जाएंगी, बट वही देखिए क्योंकि आगे अभी बर्थडे सेलिब्रेट होगा माँ का और उसमें भी काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न आएंगे। तो आप अभीरा अरमान और रूही रोहित के रिश्तों के डिफरेंट डायनेमिक्स देखोगे, बहुत कुछ चेंज हो रहा है, तो आप देखेंगी कैसा होगा। एंड बस देखना बर्थडे वाला एपिसोड तो आपको समझ आ जाएगा।